गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास तक हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 4th चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि नाम सुन के ही पता चल रहा है, केमिकल, केमिकल्स तो हम जानते ही हैं। अगर हम किसी तरह से द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वी कैन गेट काइनेटिक्स, अगर मैं ये काइनेटिक्स का मतलब समझ जाऊँ तो मुझे अपने केमिकल काइनेटिक्स की पूरी मीनिंग समझ में आ जाएगी, राइट? तो पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। केमिकल्स वी नो वेरी वेल, एंड सेकेंड टर्म इज काइनेटिक्स। अगर हम इस काइनेटिक्स वर्ड की बात करें, सो दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड होता है जिसका नाम है काइनेसिस। हाँ, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है काइनेसिस, और उसी वर्ड से इस वर्ड को लिया गया है। अब बात यह कि काइनेसिस का मतलब क्या हुआ फिर? दैट इज मूवमेंट। हाँ, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं, जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, कई बार सेपरेट होते हैं, कुछ न कुछ आपस में करते हैं और हमें एक नया प्रोडक्ट देते हैं, यही होता है जनरली। तो ये कब, किस लेवल पे होता है, किस स्पीड से होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। यानी कि अगर मैं सिंपली कहूँ तो मुझे इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये चैप्टर मुझे बताएगा कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसकी रेट क्या होगी। रेट का मतलब हाई स्पीड, कि वो रिएक्शन फास्ट होगी, सुपर फास्ट होगी, स्लो होगी, सुपर स्लो होगी, इंटरमीडिएट होगी, किस स्पीड से वो रिएक्शन होगी, दैट वी विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, पहली चीज़। दूसरी, अब क्योंकि मुझे ये मालूम चल चुका होगा कि इसकी स्पीड क्या होगी, तो फिर हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि अगर कोई रिएक्शन की स्पीड स्लो है तो हम उसको फास्ट कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं या नहीं। यानी कि हम ये डिपेंड चेक करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस करते हैं, यानी कि कोई एक रिएक्शन जब होती है तो किस मैकेनिज्म, किस प्रोसेस को फॉलो करती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको लगभग अपने टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स की एक ओवरव्यू आइडिया लग गई होगी कि इस चैप्टर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्लियर है? तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, ये क्या होता है, सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री की वो साइंस ब्रांच है, यस इट इज़ द ब्रांच ऑफ दैट केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि मुझे ये बताती है कि होने वाली रिएक्शन, ये किसके बारे में बताएगी, होने वाली रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, फास्ट, वेरी फास्ट, स्लो, वेरी स्लो, इंटरमीडिएट या कितना। फर्स्ट थिंग, इट डिफाइंस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देन इट ऑल्सो डिफाइंस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये बहुत फास्ट है तो मैं इसको स्लो कैसे करूँगा, अगर ये स्लो है तो इसको फास्ट कैसे करना है, इन फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसी क्या चीज़ें होंगी जिनको हम यूज करके किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं या किसी भी रिएक्शन की स्पीड को घटा सकते हैं। देन आफ्टर वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बाई विच द रिएक्शन विल प्रोसीड। किस प्रोसेस से रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम इसको किस वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो
इन केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस आर स्टडीड एट टू लेवल्स। हम केमिकल काइनेटिक्स में अगर रिएक्शंस को डिस्कस करने की बात करें तो हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं और फिर स्टडी करते हैं। पहला होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। दिस इज माइक्रोस्कोपिक एंड दिस इज मैक्रोस्कोपिक। हाँ, आप इसके ऑर्डर पे नहीं जाएंगे कौन पहला होता है कौन दूसरा, बस हमें तो ये पता होना चाहिए कितने लेवल में ये डिवाइडेड होता है। अब हम बात करेंगे इनके वर्ड के। स्कोपिक का मतलब हमें समझ में आ गया, देखने के लिए स्कोप। अब ये मैक्रो क्या है? मैक्रो इज जस्ट अपोजिट ऑफ माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी 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 स्मॉल। अब बताइए मैक्रो क्या हो जाएगा? बिग हो जाएगा। यानी कि माइक्रो वो है दे कांट बी सीन विथ नेकड आइज। आप इनको नेकड आइज से देख नहीं सकते, यानी कि सिंपल बिना माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से आप उन चीज़ों को देख नहीं सकते। जबकि ये जो मैक्रो हैं दे आर विजिबल फ्रॉम आवर नेकड आइज। अब मेरे केमिकल्स में ऐसे क्या है जो विजिबल हैं और ऐसे क्या है जो विजिबल नहीं है? तो बहुत सिंपल है। देखिए माइक्रोस्कोपिक में हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है। रिएक्टेंट्स कैसे कम हो रहा है? क्योंकि जब भी आप दो रिएक्टेंट्स का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा रिएक्टेंट्स कम होता जाएगा। यानी कि उसके लिए क्या मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है? नहीं। सो डैट वी डिस्कस हियर एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। उसको हम कहाँ कहते हैं? वी आर डिस्कसिंग हियर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब मुझसे कोई ये पूछे कि उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है उनके साथ, अगर मुझे ये जानना है तो क्या मैं उसे अपने नेकड आई से देख पाऊंगा? नहीं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट विल डिपेंड ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल। और हम कहेंगे कि इस लेवल की जो स्टडी होती है जिसमें हम एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक लेवल। आइए देखिए क्या दिया है। इन दिस लेवल, अगर हम मैक्रोस्कोपिक की बात करें, इन दिस लेवल वी डील विद द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। हम इस लेवल में ये बात करते हैं कि जो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है। यानी कि मेरे रिएक्टेंट्स की अमाउंट किस स्पीड में कम हो रही है, मेरे प्रोडक्ट की अमाउंट किस स्पीड से बढ़ रही है। यानी कि इसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, मैं देख के बता सकता हूँ कि मेरे रिएक्टेंट्स की अमाउंट कैसे कैसे कम हो रही है और प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे कैसे बढ़ रही है। एंड ऑल्सो वी कैन डिस्कस हियर द चेंज इन कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट। हम यहाँ पे ये भी देख के बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे कम हो रही है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि एक रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट्स की अमाउंट या कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि वहीं पर एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट लगातार बढ़ रही होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए माइक्रोस्कोपिक की बात करें। इन दिस लेवल वी डील एट मॉलिकुलर लेवल इन्वॉल्विंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मॉलिकुलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर रिएक्शन में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, ये रिएक्शन की जो प्रोसीडिंग है, पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो किस तरह काम कर रहा है। देयर एनर्जी, उसमें एनर्जी चेंज कैसे आ रही है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, क्यों है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं या एक दूसरे को कैसे सेपरेट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। मैं इनको नॉर्मल नेकड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, दैट्स वाई दे आर स्टडीड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और टाइम। अब हम रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? रेट या टाइम पर, या आप कह सकते हैं स्पीड पे, कि किस स्पीड पे कौन से रिएक्शन होती है। अगर हम इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो मेरे रिएक्शंस तीन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं।
पहला स्लो रिएक्शन, दूसरा फास्ट रिएक्शन और तीसरा मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, वो रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में महीनों सालों लग जाते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसको बाहर आपने ऐसे इन्वायरमेंट में, ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, तो हमें पता है कि उसकी रस्टिंग होगी, उस पर जंग लगेगा। लेकिन क्या आज आपने वो टुकड़ा बाहर रखा तो कल तक उस पर जंग लग जाएगी? ऐसा नहीं होता। उसको जंग लगने के लिए महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन इज हैपनिंग देयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन। क्या हो गया वो? रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन। अगर मैं स्लो रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम बनाते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। दिस इज आवर टाइम एक्सिस टी एंड दिस इज आवर कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अब देखिए, मेरे पास जो आयरन की पीस है या आयरन की एक नेल है जिसको मैंने बाहर रखा, तो बताइए इसकी रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। अब रस्टिंग एक दिन में होगी, दो दिन में होगी, चार दिन में, महीने में या सालों लग सकते हैं? हाँ, कम से कम महीनों तो लग ही जाएंगे। यानी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूँ तो मेरी कहीं पर थोड़ी सी जाकर रस्टिंग होगी। यानी कि एक बड़े से लोहे के टुकड़े पे या लोहे की ब्रिज है, अगर मुझे उसके छोटे से पीस पे रस्टिंग को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए मुझे सालों वेट करना पड़ सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल लग सकते हैं। यानी कि रिएक्शन इतनी स्लो है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मुझे रिएक्शन में चेंजेस देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। देखिए, टाइम लगातार बढ़ रहा होगा। अब मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन इतनी रही होगी, क्योंकि वो रिएक्शन इतना स्लो है तो कंसंट्रेशन में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देखने को मिल सकती है, तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन अगर हम एक्चुअली ग्राफ को बनाते हैं तो हम इस ग्राफ को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। ये क्या दिखाता है कि जब आप यहाँ पर थे तो कंसंट्रेशन इतनी थी, यहाँ पर गए तो भी इतनी है, यहाँ गए तो भी इतनी है, यहाँ गए तो भी, यानी कि टाइम के साथ साथ रिएक्शन इतना स्लो है कि आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। जबकि एक्सपेरिमेंटली बात करें तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे होता जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना कि आप इग्नोर कर सकें। क्योंकि अगर आप 2 दिन बाद भी देखेंगे तो शायद आपको कोई रस्टिंग के अमाउंट दिखाई नहीं पड़ती है। तो आप 2 दिन बाद ग्राफ देखें, पहले दिन आपका यहाँ था कंसंट्रेशन, मान लीजिए यहाँ था, राइट। दूसरे दिन आपने आके यहाँ देखा तो भी कोई रस्ट नहीं था, तो आपने कहा कि सर कंसंट्रेशन अभी भी सेम है। तीसरे दिन फिर आपने चेक किया, कोई चेंज नहीं देखा। चौथे दिन कोई चेंज नहीं, पांचवे दिन कोई चेंज नहीं, छठे दिन कोई नहीं। ऐसे करते करते जब आप सालों बीतने लगेंगे तब जाके कहीं, यानी ये ग्राफ ऐसे जाके थोड़ा सा कहीं पे ऐसे होगा। तो इस ग्राफ को हम जनरली स्ट्रेट लाइन से ही शो करते हैं, क्लियर है? हाँ। तो ये तो रहा स्लो रिएक्शन। अब हम बात करते हैं दूसरा, फास्ट रिएक्शन की। अब फास्ट रिएक्शन में क्या होगा? अब मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है, दूसरा बेस, ठीक है, मैंने एसिड में बेस लाके मिला दिया, तो बताइए क्या होगी? रिएक्शन होगी नहीं होगी? होगी तो फास्ट होगी, स्लो होगी या इंटरमीडिएट? हाँ, रिएक्शन होगी और बहुत ही फास्ट होगी, यानी कि आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो गई। यदि अगर आप नोटिस करना चाहें कि कितना टाइम लगा, कैलकुलेट करना चाहें, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही आपने एसिड बेस को मिलाया, रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाती है, इमीडिएट। जब तक टाइम गैप नहीं होगा, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? आपको चीज़ों को सीखने के लिए, जानने के लिए कि कितना टाइम लगा, आप घड़ी देखेंगे, देखेंगे ना? अभी जैसे आपने मिलाया वो तुरंत रिएक्शन हो गया, तो उस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यानी कि दैट इज फास्ट रिएक्शन। अब हम इसके लिए भी एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया टाइम का और ये हो गया मेरे कंसंट्रेशन का। देखिए, जब हम एकदम पहली बार स्टार्ट किए होंगे
तो मान लेते हैं मेरी कंसंट्रेशन इतनी थी, अभी जैसे ही आपने दोनों को मिलाया कुछ ही सेकेंड में क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, किसकी, रिएक्टेंट की, और ये ग्राफ बिल्कुल शार्प सा नीचे बन के आता है, बिल्कुल शार्प। इसका मतलब कुछ ही सेकेंड में आपका पूरा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था घटते 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 क्या हो गया, जीरो, यानी कि वो पूरा किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बन गया। ये ग्राफ किसके लिए है, दिस इज द ग्राफ फॉर रिएक्टेंट्स। स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट्स इतना था, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बढ़ा यानी कि आपने रिएक्शन कराया, वो तुरंत घटते 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 जीरो हो गया। अब बताइए, जब तक आपने अभी रिएक्टेंट्स को मैच नहीं कराया, तुम्हें मिक्स नहीं कराया, तो उस केस में प्रोडक्ट कितना बना रहा होगा, जीरो। जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक तो प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं। अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाने जाऊं तो उस टाइम पे क्या था, जीरो, लेकिन जैसे ही आपने मिलाया तुरंत प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगेगा और उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको बनाना नहीं, बस आपको देखना है कि ग्राफ एक्चुअली अगर बनाना हो तो कैसे बनाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट लगातार बढ़ रहा होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार कम हो रहा होगा तो उसकी ग्राफ नीचे आएगी। कर सकते हैं, चलिए, ये तो रहा स्लो और फास्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, आवर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। ग्राफ देख लीजिए, स्लो रिएक्शन का ग्राफ, फास्ट रिएक्शन का ग्राफ, एंड दिस इज फॉर मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। इसका मतलब इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम ऑब्जर्वेबल होता है, यानी कि हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उस रिएक्शन को, हम फील कर पाते हैं कि इस रिएक्शन में कितना टाइम लगा होगा। क्लियर है, तो ऐसे रिएक्शन जो कि ना बहुत फास्ट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, उन रिएक्शंस को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। ये जो मेरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो फास्ट रिएक्शन, सॉरी स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन दोनों के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, हम इनके लिए भी कमेंट करते हैं, इनके बारे में भी पता लगाते हैं, वो आप हायर स्टडीज में सीखेंगे, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है ये स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के लिए कुछ भी कमेंट नहीं करता। यानी कि जनरली हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि मैक्सिमम हम जो रिएक्शंस यहाँ डिस्कस करेंगे दोज रिएक्शंस विल बी मॉडरेट रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मेरा एक होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब देखिए शुगर क्या होता है, हाँ C12H22O11। अगर मैं इसको वाटर में मिक्स कर दूँ तो देखिए मुझे मिलता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, और मुझे मिलता है फ्रक्टोस, उसकी भी फॉर्मूला यही होती है C6H12O6। आप एक बार चाहे तो चेक कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। अब ये जो रिएक्शन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप देख के बता सकते हैं कि हाँ सर रिएक्शन हो रही है, इसमें इतना टाइम लगा, इसके इतने रिएक्टेंट्स यहाँ तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में इतना टाइम लगा होगा, यानी कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब मैं इसकी ग्राफ बनाना चाहूँ तो फिर से वही टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनेगा। स्टार्टिंग में अगर मैं रिएक्टेंट्स की ग्राफ बनाऊं तो जब तक रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुई थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इतना रहा होगा, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप बताइए रिएक्टेंट्स का अमाउंट कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी प्रोडक्ट आपका बनने लगेगा और रिएक्टेंट्स आपके कम होने लगेंगे, यानी कि ये ग्राफ लगातार नीचे आ रहा होगा, क्योंकि ये मॉडरेट है तो शार्प नीचे नहीं जाएगा, क्लियर है। और ऐसे बढ़ते 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 एक टाइम के बाद इस ग्राफ को कहीं जाके ये कट करेगा, और उस टाइम पे आपके रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरा रिएक्टेंट किसमें बदल गया होगा, प्रोडक्ट में बदल गया होगा, क्लियर है। अगर आप ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की बात बना करना चाहें कि प्रोडक्ट का क्या ग्राफ बनेगा, तो देखिए स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब टाइम T=0 था, तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा, जीरो। लेकिन जैसे 1 सेकेंड होगा कुछ प्रोडक्ट बना होगा, 2 सेकेंड पे कुछ और, 3 सेकेंड पे कुछ और, यानी कि वो ग्राफ का नेचर ऐसा बनेगा, सही है, समझ सकते हैं। चलिए अब तक आपको कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ आपको एक चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई भी रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है
यानी कि रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट वो लगातार कम होगी, और वहीं पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ रहा होगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है ना। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्शन कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। ये रहा आपका ग्राफ, यानी कि अब हम इस चैप्टर में किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? मॉडरेट रिएक्शंस को। आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, पहले ये भी तो जान लें। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए मुझे पहले तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा। जनरली होता क्या है, कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, यानी कि रिएक्टेंट्स लगातार कम होता रहता है टाइम के साथ और प्रोडक्ट लगातार बढ़ता रहता है। तो देखिए क्या दिया है, एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटता रहता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। अगर मैं इनके लिए ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखिए, टाइम और कंसंट्रेशन में, यहाँ पर कंसंट्रेशन हमने किसके लिए है? रिएक्टेंट्स की। तो देखिए लगातार ये कम होता रहता है, सब ग्राफ किसके लिए है? मॉडरेट रिएक्शन के लिए। तो लगातार ये देखिए ग्राफ कम होता जा रहा है, जिसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन लगातार घट रहा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ टाइम कम होगा तो इतना कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट्स का, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो उस टाइम पर इतना ही है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरे रिएक्टेंट्स का ग्राफ नीचे जा रहा होगा और उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, जबकि अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात करूं तो ये लगातार बढ़ रहा होगा। अभी जो पीछे ग्राफ देखे थे वही ग्राफ है, ये समझ में आया आपको? कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। आपको रेट वर्ड ना फिजिक्स में बहुत सुनने को मिला होगा, नहीं सुनने को मिला है तो कोई बात नहीं, अभी फिर से देख लीजिए। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है? हाँ, क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी, बेसिक सा। और आप जो 11th में सीखे होंगे वो आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, या फिर आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा, एक्सेलरेशन ए इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, पढ़ रखा होगा। यानी कि जब भी हम रेट ऑफ डिफाइन करते हैं, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी काम एक सेकेंड, एक मिनट या एक घंटे में कितना हुआ होगा, राइट? अब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो एक्सीलरेशन ये कहता है कि एक सेकेंड के गैप में आपकी वेलोसिटी कितनी बदल गई, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। उसी को आप क्या कहते हैं? उसका एक्सीलरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये क्या कहता है? देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये घट रहा होगा और ये लगातार बढ़ रहा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये कहता है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, किसी भी फिक्स टाइम इंटरवल पे, एक मिनट में, एक सेकेंड में या एक घंटे में रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ या प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, इसी को हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो किसी भी रिएक्शन में एक सेकेंड में रिएक्टेंट्स का कितना कंसंट्रेशन कम हो गया, या एक सेकेंड में किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन बढ़ गया, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स मुझे ये कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, दैट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चाहे आप रिएक्टेंट्स की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें, पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सिंबल किसका है? कंसंट्रेशन का। इसमें हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? सिंपल सा मोलैरिटी की वाली यूनिट होती है, यानी कि आप चाहें तो मोलर कह सकते हैं या फिर आप चाहें तो, हाँ वेरी गुड, क्या कह सकते हैं, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, सही है ना। चलिए अब मैं इसकी यूनिट की अगर बात करूँ तो देखिए यूनिट बहुत सिंपल हो जाएगा। चेंज इन रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, इस किस में आता है, मोलर में। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलर या मोल पर लीटर। अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये तो आ गया मोलर अपॉन टाइम टेकन की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोलर सेकेंड इनवर्स। अगर आप टाइम को मिनट में लेंगे तो क्या बन जाएगा, मोलर मीटर मिनट इनवर्स, और अगर आप आवर में लेंगे तो बन जाएगा मोलर आवर इनवर्स, एक चीज। दूसरी चीज, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप बताइए कंसंट्रेशन की यूनिट एक और क्या होती है, वेरी गुड, मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर अपॉन टाइम को क्या लिख लिया आपने, अगर सेकेंड, इसको भी आप ऊपर लेके चले जाइए, इसकी एक नई यूनिट आपको मिल जाएगी, दैट विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर टाइम आप मिनट में लेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, आवर में लेंगे तो मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर अब आपको यूनिट रटनी नहीं है, क्योंकि अगर आप रटने के पीछे परेशान हुए तो यूनिट्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा होंगी कि फिर आप पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाएंगे। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि मुझे इसमें कोई भी यूनिट रटना नहीं है। समझ में आ गया, चले आगे बढ़े। देखिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए, तो चलिए अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले। हाँ, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, ये देख ले, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन तो कर लिया, अब ये कितने टाइप्स की होती है हम इसको बात कर लें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए रेट्स ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, आपने फिजिक्स में पहले पढ़ रखा होगा वेलोसिटी दो टाइप की होती है, याद आया? हाँ, क्या था पहला, एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं दोनों को रिमाइंड कराना चाहूँ तो देखिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, वी एवरेज इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन, ऐसे लिखते थे। या फिर आप एक और फॉर्मूला जानते होंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। अगर पर्टिकुलर अच्छे डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो वी एवरेज हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है बी, मुझे ए से बी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी और टोटल कितना टाइम लगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर मैं वहीं पर वी इंस्टेंटेनियस यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो ये कहता है किसी भी पर्टिकुलर सेकंड पे, अब मान लीजिए ये रोड आप यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहे थे तो हो सकता है बीच में आपकी स्पीड कहीं ज़्यादा रही हो सकता है बीच में स्पीड कहीं आपकी कम रही हो, या फिर हो सकता है बीच में बहुत ज़्यादा कम रही हो, क्योंकि बीच बीच में रोड में आपको गड्ढे मिल सकते हैं, ब्रेकर्स मिल सकती हैं, ट्रैफिक मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, कई बार रोड आपको बिल्कुल खाली भी मिल सकता है, तो उस केस पे आपकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम बताते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग मेरी क्या एवरेज वेलोसिटी रही होगी, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इसी केस पे, ठीक इसी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो आप बताएंगे कि अगर इस टाइम पे रोड खाली था तो आपकी वेलोसिटी मान लीजिए कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर, तो आप कहेंगे ये है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी किसी एक फिक्स पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी
वो कौन देता है हमें, हाँ दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड, dx अपॉन dt, यानी कि हम इसको d बाई dt के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, कब, इंस्टेंटेनियस केस में। और ये आप कैसे निकालते थे, वेरी गुड, स्लोप के बराबर आता है। हाँ तो अब हम बात करते हैं सेम चीज़ को कहाँ, अपने रिएक्शन के रेट में। मेरी जो रिएक्शन की रेट होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आइए देखिए, पहले हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में, यानी कि एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में आपने कितना रिएक्शन कराया उसको अगर आप डिफाइन करते हैं, देन वी यूज द टर्म एवरेज रेट। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि मैं किसी फिक्स पॉइंट पे, किसी फिक्स टाइम पे पूछ लूं कि पाँचवें सेकेंड पे रिएक्शन की स्पीड क्या रही होगी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। आप इसके नाम से भी पकड़ सकते हैं, इंस्टेंट का मतलब इमीडिएट, किसी भी फिक्स पॉइंट पे। हम पूछ लें कि जब 10th सेकेंड रहा होगा, 10वां सेकेंड, उस सेकेंड पे आपके रिएक्शन की रेट क्या रही होगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। अगर मैं ये पूछूं कि 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में लगभग आपको कौन सा रेट देखने को मिला, देन यू विल डिफाइन देयर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं 5 सेकेंड के बीच में, 10 सेकेंड के बीच में, 15 सेकेंड के बीच में ऐसे पूछूंगा, सो आप क्या बताएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि मैं ये पूछूं कि 6वें सेकेंड पे, 6 सेकेंड में नहीं, हमने ये पूछा कि जब 6th सेकेंड था, यानी कि टाइम आपका 6 सेकेंड शो कर रहा था, उस केस पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, तो आप डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक बार फिर उसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम स्लोप से। मान लीजिए अगर आपसे इस पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेरी गुड, टेंजेंट से। टेंजेंट क्या होता है पता ही है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि किसी भी डायग्राम को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हो। तो हम एक ऐसे यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखिए आपके डायग्राम में जो पीडीएफ मिलेगा वहाँ पे आराम से विजिबल होगा, यहाँ तो हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। फिर हम उसकी स्लोप निकाल देंगे, वो जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो वैल्यू ही मुझे क्या देती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देती है। अब देखिए मैं फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ तो देखिए आपको वी एवरेज का फॉर्मूला पता है, उसी तरह हम क्या लिखेंगे, आर एवरेज। तो देखिए अगर मैं आर एवरेज लिखूं तो आर एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेरी गुड, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन या डेल्टा सी लिखिए अपॉन डेल्टा टी, यानी कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब बताइए मैं अगर आर इंस्टेंटेनियस डिफाइन करूँ, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं क्या लिखूँगा, वेरी गुड, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, या फिर अगर आप रिएक्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट। सही है, हाँ आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो याद रखना है अगर मैं वो बताऊं आपको, तो बस वो सिंपल सा ये इतना है कि आर एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। वहीं पे अगर मैं आर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलेंगे सर इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कर सकते हैं, चलिए अगर आप इतना कर सकते हैं तो अब हम इसको रिएक्टेंट्स के लिए अलग और प्रोडक्ट्स के लिए अलग डिफाइन करेंगे। अभी अब हम आगे बढ़ें उससे पहले बताइए, किसी भी रिएक्शन में
रिएक्टेंट्स की अमाउंट टाइम के साथ बढ़ती है या घटती है? हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो बताइए उस केस में मुझे रिएक्टेंट्स के लिए वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये घट रहा था। प्रोडक्ट के लिए क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो अगर मैं आर एवरेज को रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। जबकि अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा आर एवरेज इज इक्वल टू, अब प्लस का सिंबल आप चाहें तो लगाइए चाहे मत लगाइए, तो हम नहीं लगाते हैं, हम लिख देंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। यानी कि आपको जो सीखना था वो क्या है कि अगर मैं पर्टिकुलरली रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन करूं तो मुझे वहां पे माइनस सिंबल का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लगातार घट रही होती है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, इसलिए हम वहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं लगाते। आप चाहे तो यहाँ प्लस का सिंबल लगा सकते हैं बट उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। अब हम ऐसे आर इंस्टेंटेनियस लिखें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो बताइए मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड, पहले तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स, चाहे आप इंस्टेंटेनियस की बात करें या एवरेज की, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तो लगातार घट ही रहा होगा, इसलिए माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होगा तो आप लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ, क्या हो रहा है ये, आप लिखेंगे डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कर सकते हैं? हाँ, यानी कि अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हो गई। पहला, एवरेज के लिए हम डेल्टा टर्म्स यूज करेंगे, राइट, जबकि इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाँ, डिफरेंशियल टर्म, यानी कि डी बाई डी टी यूज करेंगे। क्लियर है एक बात? दूसरी, रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा हम अपने फॉर्मूले में माइनस को यूज करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है। प्रोडक्ट के लिए, अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू लगातार बढ़ती होती है, तब चाहे प्लस को दिखाइए या प्लस को मत दिखाइए उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन के साथ साथ और क्लैरिटी आ जाएगी, फिलहाल आप परेशान ना हो। बात समझ में आई आपको? चलिए, अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, सर ये जो डी बाई डी टी लिखा आपने इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में कंसंट्रेशन के लिए, जब मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा तो मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन किसके लिए हो सकता है? रिएक्टेंट्स के लिए भी हो सकता है और प्रोडक्ट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस कुछ शो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो फिर आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आर एवरेज पॉजिटिव लिया जाएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट और नेगेटिव लिया जाएगा इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखिए, क्योंकि आर एवरेज का फॉर्मूला और आर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आपको मिल गया, तो आप यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू, अगर मैं रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो माइनस, बताइए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर माइनस लगा लेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R2 - R1 अपॉन डेल्टा टी को क्या लिखेंगे आप? T2 - T1, यानी कि सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, और ये सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस फर्स्ट कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप चाहें तो आर एवरेज को प्रोडक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस यूज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, और आप इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 - T1, कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अगर सिर्फ कंसंट्रेशन दिया है
सी के टर्म्स में, तो आप लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, या सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इस केस में ना ही आप प्लस को शो करेंगे ना माइनस को, क्योंकि ये अभी डिफाइन नहीं है कि कंसंट्रेशन किसके लिए दिया गया है, रिएक्टेंट्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए। हाँ, अभी थोड़ी बहुत हो सकता है वो कन्फ्यूजन आए, बट आप परेशान ना हो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये पार्ट पूरा विजिबल हो गया? हाँ, काम चल जाएगा ना। देखिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो सकता है पूरा अच्छे से विजिबल ना हो, एक बार हम चेक कर लेना। हाँ है, काम चल जाएगा, आपको दिख रहा होगा, इतने में तो काम चल जाएगा। मेरा इसमें क्वेश्चन क्या है, आई नीड टू कैलकुलेट द एवरेज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 400 एंड 800 सेकेंड्स, यानी कि 400 सेकेंड से लेके 800 सेकेंड के बीच में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे आर एवरेज। अब देखिए ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन का अमाउंट दिया है, क्या आप इस ग्राफ को देख के कुछ बता सकते हैं क्या, कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ रिएक्टेंट्स के लिए दिया गया होगा या प्रोडक्ट के लिए? हाँ, अभी आपको मन में होगा सर कैसे, बहुत सिंपल है, आप देखिए लगातार ये वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, घट रही है ना, तो रिएक्शन में टाइम के साथ कौन घटता है, रिएक्टेंट्स, यानी ये वैल्यू किसके लिए दी गई है, रिएक्टेंट्स के लिए। तो देखिए फॉर्मूले में पहले क्या यूज करेंगे, हाँ माइनस कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो बताइए सेकेंड टर्म का कंसंट्रेशन हम क्या लिख ले, ऐसे लिख लेते हैं पी टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ पी वन, और इस पर एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, चेक करते हैं, ये हो गया माइनस, बताइए सेकेंड टाइम पे कंसंट्रेशन, यानी ये मुझे कितना 400 पे देखना है यहाँ पर और 800 पे देखना है यहाँ पर, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी 0.02, हम लिखेंगे 0.02 माइनस। अब देखिए सेकेंड कंसंट्रेशन मुझे कहाँ मिलेगा, 400 यहाँ पर कितना है, दैट इज 0.06, सो दिस इज 0.06 अपॉन टाइम की बात करेंगे हम। तो बताइए टी टू का टाइम कितना है, 800 माइनस टी वन का टाइम कितना है, 400। ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तब तो आपका क्वेश्चन हो गया। बस अब आपको क्या करना है, माइनस लगा लीजिए पहले, इनको सॉल्व करिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा, दिस विल बी 0.04 अपॉन नीचे क्या बचेगा, 800 माइनस 400 दैट इज 400। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि 0.04 अपॉन 400। मैं इसको रफ कर दूं, तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगा 1×10⁻⁴। ये देखिए माइनस टू पर जाएगा, माइनस टू पहले से है, हाँ 10⁻⁴ आ जाएगा। अब बात रह गई यूनिट की, यूनिट किस में आता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन को हम किस में डिफाइन करते हैं, मोलर में, तो आपने लिख लिया यूनिट मोलर, और टाइम नीचे आपने डिफाइन किया सेकेंड में, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁴। 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, या मोल पर लीटर और पर सेकेंड। तो आप चाहे आंसर को ऐसे लिख के छोड़ दीजिए या फिर ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको, आइए एक और क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। अब मान लीजिए मुझे कह रहा है आप 200 और 600 के बीच में कंसर्न एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए हम लिखेंगे फिर से वही आर एवरेज इज इक्वल टू
रिएक्टेंस का फॉर्मूला है तो माइनस लगेगा ही लगेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो देखिए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर टू सेकेंड टाइम पे, यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना है यानी 0.04 माइनस फर्स्ट, ये नहीं है ना, ये वाला ले रहे हैं हम, फर्स्ट पे कितना है ये दैट इज 0.08, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.08 अपॉन टी टू। सेकेंड टाइम पे टाइम ड्यूरेशन कितना 600 माइनस फर्स्ट टाइम पे टाइम ड्यूरेशन कितना 200। आप इसको सॉल्व कर दें, ये सब सॉल्व करके फिर से आपको क्या मिल जाएगा 0.04 अपॉन, इसको सॉल्व करें फिर से 400, और फिर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10^-4 मोलर सेकेंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो चाहे आप यहाँ से यहाँ के बीच में निकालें आप, चाहे यहाँ से यहाँ, दोनों ही केस में क्या आया, हाँ रिएक्शन ऑफ रेट तो सेम आया। हाँ किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बिल्कुल सेम आएगी, चाहे वो आप रिएक्टेंट्स के लिए डिफाइन करें, चाहे आप प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करें, या फिर आप दो अलग अलग रिएक्टेंट्स के लिए भी डिफाइन करें तो भी सेम आएगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा ध्यान से सोचिए। अब मान लीजिए ये आपकी स्कूल वैन है, ठीक है, इसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग एज के हैं। अब हमें ये बताइए, अगर मैं उनको प्ले ग्राउंड में छोड़ दूँ इन बच्चों को दौड़ने के लिए, तो क्या सारे बच्चे एक स्पीड से दौड़ेंगे या अलग अलग स्पीड से दौड़ेंगे? जाहिर सी बात है अलग अलग। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि अगर ये सारे बच्चे बस में बैठ के जा रहे हैं, बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं, तो इस बच्चे की स्पीड, इस बच्चे की स्पीड, इस बच्चे की स्पीड और इस बच्चे की स्पीड सबकी सेम रही होगी या अलग अलग? हाँ सबकी सेम रही होगी। क्यों? क्योंकि सब तो एक ही बस में है, जो बस की स्पीड होगी वही इस बच्चे की, वही इस बच्चे की, और यही बाकी बच्चों की भी स्पीड होगी। पास समझ में आ गई? तो ये ऐसा ही होता है, जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो चाहे आप रिएक्टेंट्स की बात कर ले, चाहे आप प्रोडक्ट्स की बात कर ले, या फिर आप रिएक्टेंट्स में भी अलग अलग रिएक्टेंट्स की बात कर ले, उनका रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहता है। क्योंकि रिएक्शन सेम है तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन सबका सेम ही आएगा। यानी कि आप चाहे इस बच्चे की स्पीड हम बता देते हैं तो भी आप बाकी बच्चों को बता सकते हैं, या फिर हम इसकी बता दें तो भी आप सबकी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही बच्चे वैन, क्योंकि सभी बच्चे एक ही वैन में हैं, इसलिए सबकी स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। आपने यहाँ पे एग्जांपल लेके देख लिया, समझ में आ गया होगा आपको। आइए, ये तो रहा आर एवरेज कैलकुलेट करना। अब चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा आपको इंस्टेंटेनियस भी दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल होगी बट आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर सेकेंड पे 400 सेकेंड पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। कब? 400 सेकेंड पे। तो देखिए 400 सेकेंड पे ग्राफ यहाँ पे टच करेगा। अब आपको क्या करना है, हाँ इसी ग्राफ को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसे कर लेंगे। अब आपको इसकी स्लोप निकालनी होगी। आर इंस्टेंटेनियस हम कैसे डिफाइन कर देते हैं? स्लोप से। तो आइए, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करते हैं। तो ये देखिए ग्राफ कहाँ से आप करना चाहेंगे, आप इसको ना और बढ़ा के ऐसे ले जाइए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए एक वैल्यू यहाँ कट करेगी, दूसरी वैल्यू आपको यहाँ कट करेगी, करेगी ना। आप चाहें तो सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। देखिए परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना आएगा? ये तो हमारा यहाँ पर है 0.08, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसको कितना मान लेता हूँ 0.082 या 85 मान लेते हैं, 0.085 माइनस नीचे कितना है 0 अपॉन। अब हम बेस की बात करेंगे, बेस नीचे वाला, नीचे वाली वैल्यू देखिए यहाँ पे तो आपको मिलेगा 800, ये 800 से थोड़ा सा पहले है, तो हम कितना मान सकते हैं इसको? ये मानिए यहाँ बीच में 700 मिलेगा, यहाँ पर 750 या 780 के आसपास। तो
तो हमने ले लिया इसको 780 माइनस स्टार्टिंग कितना इसका जीरो, आप इसको सॉल्व कर देंगे ये कितना आ जाएगा 0.85 है ना अपॉन 780, आप इसको सॉल्व कर देंगे जो भी होगी आपकी वैल्यू मिल जाएगी। हमें तो सबको ये सिखा रहा था आप कैसे करेंगे, जब भी इंस्टेंटेनियस कहेगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे तो आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक स्लोप ड्रॉ करेंगे और उस स्लोप की वैल्यू जो आएगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी। कर सकते हैं, चलिए मेरे पास इसका अच्छा सा डायग्राम है जो कि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देखिए इस केस में कह रहा है आप मुझे 600 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करके बताइए, तो 600 सेकेंड ये है, यहाँ पर देखिए आपका एक टेंजेंट पड़ा हुआ है, ये जो लाइन है टेंजेंट वाली, ठीक है। तो बस करना क्या होता है, हम जब आर इंस्टेंटेनियस डिफाइन करते हैं तो हमें स्लोप डिफाइन करना होता है, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आइए देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू यहाँ पर आकर टच कर रही है क्या, हाँ अब चाहें तो इसको यहाँ तक भी ले जा सकते थे क्योंकि ये नहीं लेके गया है तो कोई बात नहीं। अब हमें ये देखिए ये वैल्यू यहाँ ऊपर की वैल्यू 0.04 है, अगर आप इस लाइन को बढ़ाते हुए यहाँ तक लेके आएँ तो ये वैल्यू 0.04 से बड़ी होगी कि कम होगी, छोटी होगी ना, तो ये 0.02 यहाँ 0.03 उसके बीच में, तो हमने मान लिया इसको 3 से थोड़ा बड़ा लेना होगा ना, हमने 0.038 मान लिया, ठीक है, अपॉन माइनस जीरो कर लेंगे, नहीं जीरो नहीं, इसका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ से लेके आइए, ये कितना मिलेगा आपको 0.02 से थोड़ा कम, यहाँ 0.01 0.015 0.016 अपॉन। अब हम बेस की बात करेंगे, देखिए बेस में भी दो ग्राफ बनेगा, एक यहाँ से ये आके टच कर रहा है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ आ रहा है, राइट, आई थिंक ये इसको टच कर गया है, तो ये कितना है 800 माइनस ये देखिए कितना है 400, आप इनको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 0.038 माइनस 0.016 अगर सॉल्व करें तो 8 माइनस 6 2 3 माइनस 1 2 और हाँ 0.022 अपॉन नीचे कितना आ गया 400, आप इनको सॉल्व कर दें, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए 10^-3 माइनस 2 पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं ये हो जाएगा 0, ठीक है, फिर 0.55 और ये ऊपर जाएगा तो 10^-2 यानी कि मेरे हिसाब से ये वैल्यू कितनी आएगी 5.5 इंटू 1, 2, 3, 4, 5 10^-5 फिर यूनिट आ जाएगा आपका मोलर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लगभग इतना आएगा। एग्जैक्ट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी गई है कि ये कितना आ रहा है, अगर ये आपको एग्जैक्ट दिया जाता और ये वैल्यू आपको यहाँ पे एग्जैक्ट दी गई होती तो आप दोनों को यहाँ ऊपर लिख के माइनस करते और इनके टाइम ड्यूरेशन के गैप से डिवाइड कर देते, कर सकते हैं ना, हाँ तरीका वही रहेगा, तरीका कहीं चेंज होने वाला नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये तो मुश्किल हो जाएगा आपको, चलिए अगर ये आपको विजिबल नहीं होगा तो आपकी ये एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल नंबर 4.1 दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक रिएक्शन दे दी गई है, ठीक है, उस रिएक्शन के आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है अलग अलग टाइम के लिए, और आपको ये टाइम और ये आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम किसी भी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे 100 से 150 के बीच कैलकुलेट करना है, सारा हम नहीं करेंगे, सारा तो आप खुद से करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ के लिए कैलकुलेट करते हैं 100 से 150 के बीच में, तो देखिए मुझे क्या लिखना होगा, ये और ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो बताइए आर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड। अब देखिए हमें तो ये देखना पड़ेगा ना, रिएक्टेंट्स की बात हो रही है कि प्रोडक्ट की, ठीक है ये रिएक्टेंट्स की बात हो रही है, तो क्योंकि रिएक्टेंट्स की बात हो रही है तो मुझे माइनस यूज करना पड़ेगा, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, आप लिखेंगे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, आर टू माइनस आर वन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द सेकेंड टाइम इंटरवल अपॉन फर्स्ट, सॉरी माइनस फर्स्ट अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो आप इसको यहाँ कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस आर टू की वैल्यू, सेकेंड कंसंट्रेशन ये है कितनी है 0.0741, माइनस फर्स्ट कंसंट्रेशन आर वन की वैल्यू 0.0820 अपॉन टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर टी टू का टाइम कितना 150, माइनस टी वन का टाइम कितना 100। आप इनको सॉल्व करिए, माइनस पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए आंसर माइनस में आएगा, कितना आएगा देखिए 09, 11 माइनस फोर 7 एंड 7 माइनस 7 0, 0 0 ये वैल्यू आएगी इतनी अपॉन 50। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 0.0079 अपॉन 50। आप इनको सॉल्व कर देंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इनको करके देख लें, क्या हो गया, हाँ 0.0079 डिवाइडेड बाई 50, इट इज गोइंग टू बी 0.000158। सो आंसर आ जाएगा 0.000158। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.58 इनटू डेसिमल को यहाँ तक लेके आना होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि 10^-4। यूनिट में देखिए क्या होगी, मोलर सेकेंड इनवर्स, टाइम सेकेंड में दिया है ना, हाँ ये देखिए मोल लीटर इनवर्स में दिया है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वो आपकी च्वाइस, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे कर लेंगे, सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है आपको, यानी कि इनके इसके बीच, फिर इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, ऐसे सब कैलकुलेट करना है, कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया ना रेट्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है नेक्स्ट हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। देखिए ये बहुत सिंपल सा होता है, बस छोटी सी चीज़ है आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अपीयरेंस का मतलब जो अभी आ रहा हो, जिसकी अमाउंट बढ़ रही हो। अब देख किसी भी रिएक्शन में किसकी अमाउंट बढ़ती है, वेरी गुड, किसकी, प्रोडक्ट की, यानी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्ट। डिसअपीयरेंस का मतलब जिसकी अमाउंट लगातार कम हो रही हो, रिएक्शन में किसकी अमाउंट कम होती है, वेरी गुड, दैट इज ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट्स की। बात समझ आ गई आपको, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्या स्पीड है, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब वो ये कह रहा है जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन के घटने की क्या स्पीड है, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट्स ओनली। क्यों, क्योंकि डिसअपीयर का मतलब जिसकी अमाउंट लगातार कम हो रही है, और किसकी अमाउंट कम होती है, रिएक्टेंट्स की। तो बताइए उसके लिए आर एवरेज का फॉर्मूला, रिएक्टेंट्स के लिए आर एवरेज का फॉर्मूला वेरी सिंपल, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी आर, सी आर का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स लगातार क्या होती हैं, कम होती रहती हैं, अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करें
तो क्या लिखेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ सी आर, सी आर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर से माइनस क्यू क्योंकि रिएक्टेंट्स का अमाउंट लगातार घट रहा होगा, डी बाई डी टी क्यू क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, और ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, स्लोप के। समझ में आया आपको, कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हम रेट ऑफ अपियरेंस की बात करेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट्स ओनली। ध्यान रहे कई बार आपसे क्वेश्चन में कहेगा आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करिए, तो वो दूसरी चीज है, रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंस, ये दूसरी चीज है। ये आपसे तब यूज करेगा जब आपसे कह देगा दे इस रिएक्शन में इतना कंसंट्रेशन घटा तो आपको इतना टाइम लगा, यानी कि आप एवरेज रेट निकालिए, आप निकाल लेंगे। फिर आपसे वो ये कहेगा कि इसी रिएक्शन में प्रोडक्ट कितना बना होगा ये बताइए, तो प्रोडक्ट बना यानी कि वो अपियर हो रहा होगा, यानी कि आपको उस टाइम पे क्या निकालना होगा, रेट ऑफ अपियरेंस निकालना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल होता है, दैट इज आर एवरेज इक्वल टू प्लस, क्योंकि पॉजिटिव लेते हैं, आप इस प्लस को चाहें तो छिपा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती रहती है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह आर इंस्टेंटेनियस अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ सी पी, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं जेट को, सॉरी नॉट जेट, रेट को जनरली रिप्रेजेंट करना चाहूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। यानी कि कई बार आपके क्वेश्चन में वो कहेगा कि आप क्या निकालिए, एवरेज रेट निकाल लीजिए या इंस्टेंटेनियस निकालिए। जब वो दिया है तो एवरेज में आप डेल्टा वर्ड यूज करेंगे और इंस्टेंटेनियस में आप डी बाई डी टी यूज करेंगे। लेकिन अगर कई बार वो आपसे ये कहेगा सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, अगर उसने आपको ये नहीं कहा कि आपको एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस, तो उस केस में आप इस वाले चीज़ को यूज क्या करिए, यानी कि आप इंस्टेंटेनियस वाले टर्म्स को यूज कर सकते हैं। ये तब यूज करेंगे जब आपको पहले से उसने नहीं बताया कि एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस। आइए वो तो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने आना चाहिए। जब तक हम उसको शो नहीं कर पाएंगे, हम उसके लिए अलग अलग रेट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मेरे पास एक पहला एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। पहला एग्जांपल है, P प्लस क्यू रिएक्ट्स एंड दे फॉर्म R। इसमें P और Q क्या होंगे हमारे, वेरी गुड, रिएक्टेंट्स, और R क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर R से तो रिएक्टेंट होता है, ये उसके कोई सिंबल नहीं है, ये तो ऐसे आपको देख के आना चाहिए, जो लेफ्ट साइड में होते हैं सब रिएक्टेंट्स, जो राइट साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट। तो देखिए अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलूँ, मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलूँ तो मैं P के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, Q के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, और मैं R के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। हाँ अब बताइए इन तीनों के टर्म्स में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी या अलग अलग। हाँ सेम आएगी ना, क्यों सेम आएगी, क्योंकि रिएक्शन तो सेम है तो उसकी रेट भी सेम आएगी। ये वही केस है, एक बस में कई बच्चे जा रहे हैं तो जिस स्पीड से बस जा रही होगी उसी स्पीड से उसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं सब जा रहे होंगे आगे। क्लियर है ना, तो ठीक है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, हम सबके टर्म्स में लिखेंगे। पहला हम लिखने जा रहे हैं पी के टर्म्स में। अब तो ये पी क्या है, रिएक्टेंट, तो ये नेगेटिव लिखा जाएगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव लिखा जाएगा ना, हमने लिखा माइनस डी बाई डी टी ऑफ पी लिख सकते हैं। इसी तरह माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू, और बताइए ये तो प्रोडक्ट है, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं, इसको हम सिर्फ लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर। रिएक्टेंस जो भी होंगे उसमें हमें माइनस को डिफाइन करना है,
प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उसमें हमें माइनस को डिफाइन नहीं करना है। एक बार फिर से, रिएक्टेंट्स में हम माइनस क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लगातार घट रही होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अब देखेंगे अगर आप, तो पी का कोई कोफिशियंट है क्या? हाँ है, इस पी का एक कोफिशियंट हो सकता है, वो कौन होगा? वन, जो कि छिपा हुआ है। वन इंटू पी को हम क्या लिखते हैं? सिर्फ पी लिखते हैं, यानी कि इसका जो कोफिशियंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट, वो कोफिशियंट कहाँ लिखा जाता है? नीचे, यानी कि वो कहाँ लिखा हो गया होगा? यहाँ पर। अब बताइए, मैं अगर यहाँ पे वन लिख दूँ, इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वन इंटू डी टी, यानी कि डी टी हो जाएगा। यानी कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो हम कोई भी रिएक्टेंट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके रेट को हम उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। यानी कि यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ वन लिखेंगे और यहाँ वन लिखेंगे, क्योंकि वन लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको छिपा देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा आपको, बट घबराइए नहीं, जब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये मुझे कुछ कुछ आइडिया लग गया। हाँ, कुछ कुछ क्यों? क्योंकि अभी भी थोड़ी सी डाउट होगी। आइए देखिए, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है, एन वन ए प्लस एन टू बी गिव्स एम वन सी प्लस एम वन डी। हाँ, एम वन डी दिया ना, आप चाहें तो दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग कर लें, इसको एम टू कर लें, दिस विल बी एम टू डी। अब देखिए, मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो बताइए मैं क्या लिखूँगा? वेरी गुड, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, यहाँ तक। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसका कोफिशियंट कितना है? एन वन, तो मुझे इसको एन वन से डिवाइड करना होगा, यानी कि हम नीचे एन वन को लिख देंगे, समझ में आया? इसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस में, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट कितना है? एन टू, तो हम इसको एन टू से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू। बताइए, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्लस में रहेगा, इसको हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ सी डिवाइडेड बाई एम वन, क्योंकि इसका कोफिशियंट कितना है? एम वन। उसी तरह से इसको हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी ऑफ डी, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम? एम टू से, क्योंकि इसका कोफिशियंट कितना है? एम टू है। समझ में आया आपको? कर सकते हैं, चलिए घबराइए नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक ख़त्म ना हो तब तक हार ना माने, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको पता है क्लैरिटी वैसे वैसे और बढ़ती जाती है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एवरेज रेट अलग, इंस्टेंटेनियस रेट अलग लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए, पहला मेरे पास क्वेश्चन है, सी ओ प्लस एन ओ टू रिएक्ट्स एंड गिव्स अस सी ओ टू एंड एन ओ। मुझे इसके लिए रिएक्शन रेट लिखना है, तो मैं पहले किसको लिखूंगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज कब डिफाइन करते हैं हम? डेल्टा में। लेकिन क्योंकि आप इसको रिएक्शन में, पहले किसको लिखेंगे? रिएक्टेंट्स को, तो माइनस में। इसको भी किस में लिखेंगे? माइनस में। बताइए हम क्या लिखेंगे? इसको मैं नए पेज पर लिख लेता हूँ ना, दिस विल बी सी ओ प्लस एन ओ टू गिव्स अस सी ओ टू प्लस एन ओ। अगर मैं आर एवरेज लिखूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे बताइए क्या लिखना होगा? मैं इसको लिखूंगा डी, नहीं, एवरेज लिख रहा है ना, तो आपको डेल्टा यूज करना होगा। आप लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ अपॉन डेल्टा टी, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये रिएक्टेंट है तो आपको क्या लगाना होगा? माइनस। तीसरी चीज़, हाँ, हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है? वन, तो हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर टू होता तो कहाँ टू लिखते? यहाँ नीचे लिख देते, समझ में आया? इज इक्वल टू, फिर हम क्या लिखेंगे? ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ टू डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, लिख सकते हैं। इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ भी मत लिखिए। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, अभी देखिए प्रोडक्ट में आ गए, तब हमें लिखना होगा डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू, जो कि पॉजिटिव होगी, अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से आप एनओ के लिए भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? डेल्टा, यहीं लिख लीजिए, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनओ अपॉन डेल्टा टी।
ये तो रह गया एवरेज के लिए। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, आर इंस्टेंटेनियस, तो देखिए मैं क्या लिखूँगा। हाँ, अब तो आप मास्टर हो गए होंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ, यहाँ पर कुछ नहीं क्योंकि रिएक्टेंट्स में कोफिशियंट कितना है, वन है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनओ टू, दैट इज इक्वल टू, यहाँ प्लस आ जाएगा अब डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ सी ओ टू, एंड दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ। समझ में आ गया, देखिए पार्ट विजिबल है या नहीं। हाँ, थैंक गॉड ये लास्ट पार्ट विजिबल था। चलिए, आपको एक आइडिया लग गया होगा एक्चुअली करना क्या है। हाँ, आप परेशान ना हो, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए एक हम कोफिशियंट वाला भी लेके देख लेते हैं। तो इसमें तो वो एग्जांपल नहीं है, देखिए आगे होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2NO प्लस O2, दैट इज 2NO रिएक्ट्स विथ O2 एंड दैट गिव्स अस 2NO2। ठीक है, अब देखिए मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अगर मैं एवरेज टर्म्स में लिखूं R एवरेज, तो बताइए क्या लिखूंगा। वेरी गुड, पहले बात तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट्स के टर्म्स में अभी लिखने जा रहा हूँ, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बताइए क्या इतना सही है, नहीं। ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट है ना, ये हो गया इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो उस केस में मुझे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि अपॉन टू मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ आया मेरी बात, ठीक है। इक्वल माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू अपॉन डेल्टा टी। बताइए यहाँ कुछ लिखा जाएगा कि नहीं, नहीं, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, वन है। फिर इक्वल टू, ये तो प्रोडक्ट में आ गए यानी प्लस हो गया, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ टू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बताइए यहाँ कुछ लिखा जाएगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है, टू, तो इसको टू से डिवाइड कर देंगे। बस ये हो गया आर एवरेज का फॉर्मूला। इसी तरह हम आर इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा मुझे बताइए, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे, कोफिशियंट है तो टू से डिवाइड कर देंगे। ये नहीं है कोफिशियंट है इसलिए टू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका कोफिशियंट टू है इसलिए टू से डिवाइड करेंगे। अगर ये थ्री होता तो यहाँ भी क्या लिखते हैं हम, थ्री, फोर होता तो फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू, इसका कोफिशियंट वन है तो यहाँ वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट में आ गए। फिर हम लिखेंगे डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ एन ओ टू, यहाँ कोएफिशिएंट टू है तो इसको टू से डिवाइड कर देंगे, अपॉन टू लिख देंगे, कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। अब आपको एक कन्फ्यूजन होगी, होनी भी चाहिए, अगर नहीं होगी तो भी हम आपको क्रिएट कर देते हैं। देखिए अभी आपने देखा कि कई बार मैंने लिखा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, और कई बार मैंने लिखा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एनी कोफिशियंट। कोफिशियंट में आप कुछ भी ले लीजिए, आप एन वन एन टू कुछ भी मान लीजिए। तो बताइए दोनों में अंतर क्या है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है और वो आपको यहीं सीखना है। ये जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है, यानी कि जो विदाउट कोफिशियंट है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ, ये देखिए क्या है, पॉजिटिव है ना, यानी कि प्रोडक्ट की बात हो रही होगी, दिस इज द रेट ऑफ अपियरेंस, या आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस रेट से बन रहा है, ये उसकी रेट है, जबकि जब आप इसको किसी कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, देन इट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे।
यानी कि रिएक्शन की क्या रेट है वो जब हम कोफिशियंट से डिवाइड करते हैं तब मिलता है, जब हम बिना कोफिशियंट के लिख दें तो हमें क्या देता है, रेट ऑफ अपियरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट्स के केस में बात करते हैं माइनस के केस में तो ये क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ क्या हो जाता, दैट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, अभी भी रहता है इन द टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाता, अभी ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है, एक बार फिर से बिल्कुल क्लियर हो जाए आप। अगर आपसे रेट ऑफ अपियरेंस और डिसअपियरेंस पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या पूछेगा वो आपसे, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कितना रिएक्टेंट्स कम हो गया, या ये पूछेगा कि कितना प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बना यानी कि अपियर हुआ होगा, यानी कि उस टाइम पे आपको क्या निकालना होगा, रेट ऑफ अपियरेंस, यानी कि उस टाइम पे आपको डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी निकालना होगा, या प्रोडक्ट लिख रहे होंगे तो आप यहाँ पे पी लिख लेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी। बट ध्यान क्या रखना है, जब हम रेट ऑफ अपियरेंस लिखते हैं या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो उस केस में मेरा यहाँ पर कोई भी कोफिशियंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रहे ये अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, तो आपको पता ही है जब किसी भी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इग्नोर नहीं किया तो वो गलत है कि सही, वो भी सही है, वो तो और रिजेक्ट हो गया। हम तो इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो वो सही है कि गलत, वो भी सही है। यानी कि आप देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और कुछ बुक्स में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, मतलब वो नहीं करते हैं। जैसा कि अगर हम आपके एनसीईआरटी की बात करें तो आपके बुक में वहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो उसको इग्नोर नहीं करते हैं, जबकि अगर हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन को इग्नोर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे जो रेट ऑफ वाटर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वाटर, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं करते हैं तो भी ठीक है, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, पता होना चाहिए। देखिए क्या दिया है, इन एक्वस सॉल्यूशन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज वेरी स्मॉल, सो वी डू नॉट यूज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम कई बार वाटर के चेंज को कंसिडर नहीं करते, यानी हम उस टर्म्स को हटा देते हैं, जबकि कुछ बुक्स में हटाया नहीं जाता। तो आपकी च्वाइस, आप चाहे तो हटाएं या फिर ना हटाएं। देखिए मेरे पास एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आइए हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करना है, ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे। हाँ भाई सही कह रहे हैं, आप देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम नए पेज पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए पाइप बी आर माइनस प्लस बी आर ओ थ्री माइनस प्लस 6H+ gives you 3Br2 and 3H2। अब देखिए अगर मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने चलूँ, बताइए एवरेज लिखे कि इंस्टेंट से, पहले एवरेज ही लिख लेते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, जब तक वो आपसे पूछेगा नहीं कौन सा लिखना है तो आप इंस्टेंटेनियस हमेशा लिखें। अगर वो आपसे कह दे तो आप अगर एवरेज कहे तो एवरेज लिखिए, इंस्टेंटेनियस कहे तो इंस्टेंटेनियस लिखिए, अगर दोनों कहता है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं कहता तो आप सिर्फ इंस्टेंटेनियस लिख के छोड़ सकते हैं। मैं एवरेज भी लिख देता हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा बताइए, रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस, सही है, अपॉन डेल्टा टी। अब बताइए मुझे यहाँ पर 5 लिखना होगा या नहीं, हाँ लिखना पड़ेगा ना, तो लिख देंगे इज इक्वल टू, फिर से रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डेल्टा टी, इसका कोफिशियंट है ही नहीं, 1 है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू माइनस
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। बताइए यहाँ इसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है ना, किससे? सिक से, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 3Br2, आप उसको लिख देंगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव रहेगा, अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब रह गई बात वाटर की, तो देखिए कहे ना अभी हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, बट कुछ बुक्स इसको लिखती हैं, क्योंकि अगर आप NCERT बोर्ड के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप लिख लिया करेंगे। आप इसको क्या लिख लेंगे, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा टी अपॉन 3। हाँ, अगर आप इसको इग्नोर भी कर देते हैं तो वो गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही होगा, कर सकते हैं। तो बस ये है। अब इसी तरह आप इंस्टेंटेनियस लिखना चाहेंगे तो सब DYDT के टर्म्स में आ जाएगा, अब हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि वो काम अब आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सामने उसका आंसर है, आप चाहें तो इसको देख लें। इसमें वाटर का नहीं लिखा गया है, आप वाटर का ऐड कर लेंगे। आइए अभी आपको होमवर्क दे दें, और हाँ सिर्फ खुश ना हो भी होमवर्क ही नहीं, इसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन और कराने हैं आपको। ये आपका होमवर्क, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ध्यान रहे सिर्फ आपको कौन सा लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, कर लेंगे। चलिए आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे जो रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन दिख रहा होगा आपको ये, एट 310 केल्विन इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3 mol/L, इनिशियली यानी कि टाइम t=0 पर आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, किसका? N2O5 का, यानी कि रिएक्टेंट्स का दिया है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज गिवेन 3 mol/L, 3 mol/L या 3 molar लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, एंड आफ्टर 200 मिनट्स इट इज रिड्यूस्ड, यानी कि जब टाइम t=200 मिनट्स हुआ तब कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बदल गया, यानी कि घट गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन लगातार घटता ही रहता है। तो देखिए, एंड इट इज रिड्यूस टू 1 mol/L, और ये कितना बन जाता है, 1 mol/L बन जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। बट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स, यानी कि मुझे तीन अलग अलग यूनिट में, आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में कैलकुलेट करने हैं, यानी कि तीन बार। और उसी के साथ साथ उसने ये भी कहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। यानी कि बताइए मुझसे क्या कह रहा है, वेरी गुड, रेट ऑफ अपियरेंस कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए कर लेंगे। फिलहाल आइए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मुझे ये सब क्लीन करना होगा। देखिए मेरा रिएक्शन मुझे लिख लें, रिएक्शन क्या है, 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 O2 + O2। तो बताइए आर एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से लिख लीजिए, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। बताइए इसका कोफिशिएंट 2 है, हमें क्या करना होगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो डिवाइडेड बाय 2 लिख दें। बताइए माइनस, देखिए इसका कंसंट्रेशन बाद में कितना होता है, 1, पहले कितना रहता है 3, तो ये हो जाएगा 1-3 अपॉन 2
इंटू डेल्टा टी। आप इसको सॉल्व करिए, माइनस वन माइनस थ्री की वैल्यू माइनस टू अपॉन टू डेल्टा टी। इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू अपॉन टू डेल्टा टी, टू से टू गया, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए, क्योंकि मुझे आर एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए मिल गया, वन अपॉन डेल्टा टी, है ना। अब मैं इसको अलग अलग केस के लिए डिराइव करूँगा। पहले मैं निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, वन अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है, टी टू माइनस टी वन, सो वन अपॉन, दूसरा टाइम कितना था, 200 मिनट्स। टाइम देखिए कितना दिया है, हाँ 200 मिनट्स। अगर मैं 200 मिनट्स को आवर्स में लिखूँ तो मुझे क्या करना होगा, वेरी गुड, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट्स को आवर बनाने के लिए, माइनस टी वन कितना था, 0 डिवाइड बाई 60, तो 0 डिवाइड बाई 60 0 हो गया, यानी ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या बचा, 1 अपॉन 200 अपॉन 60, ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बन गया, ये 60 अपॉन 200, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 10। इसको भी सॉल्व कर देंगे, क्या वैल्यू बन जाएगी, 0.3, कहाँ लिखते, यहाँ लिखते हैं 0.3। अब बताइए यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, हाँ आप चाहे अगर मोलर में लिखे तो मोलर, ये आवर में लिए हैं तो आवर इनवर्स, या आप क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, और वैल्यू कितनी है, 0.3। ये किस में आएगी, आवर में। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे होगा, देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ आवर देखिए आंसर आएगा 0.3 मोलर आवर इनवर्स, सही है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो देखिए आर एवरेज के लिए रिलेशन आपको मिल गया था इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, कितना मिला है, 1 अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया 1 अपॉन। अब आप किस में लिखने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, तो बताइए टी टू माइनस टी वन फिर से लिख देंगे, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन, टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मिनट्स में 200 है, माइनस टी वन 0 था, ये हो जाएगा 1 अपॉन 200। इसको आप सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 5 × 10⁻³। आप करके एक बार देख लें, हाँ सही है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर में अगर लिखे तो मोलर मिनट इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको किस में कैलकुलेट कर लें, सेकेंड में। तो इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, आर एवरेज इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि 1 अपॉन T2 माइनस T1, 1 अपॉन नहीं T2, 200 मिनट्स है ना, मिनट्स को सेकेंड में बनाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 60 लिख लें ऐसे, माइनस T1 कितना दिया है, वेरी गुड, T1 इज ऑल्सो गिवेन 0, 0 इंटू 60 का चाहे तो कर ले, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, यानी बन गया क्या, 1 अपॉन 200 × 60। जिसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 12,000, राइट। और आप इसको सॉल्व करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 12 जीरो पॉइंट 100 है ना, सो 0.0833 × और ये कितना आ जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो आप इनको सॉल्व कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगी 8.33 × 10⁵ और किस में, मोलर सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक बार आप चाहें तो आंसर मैच कर लें, एक आया 8.33 और एक है 5 × 10⁻³। तो देखिए एक तो आएगा
8.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंडरी वाले टर्म्स में। और मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे अभी चाहिए था मिनट में, तो मिनट का इधर ही शायद आंसर है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये देखिए आपको वो वैल्यू भी मिल गई। अभी इसके साथ साथ ही मुझे एक चीज़ और कैलकुलेट करना है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी कि जो NO2 गैस बन रही है उसका रेट मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे रेट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है या रेट ऑफ अपियरेंस। तो बताइए इक्वेशन क्या थी मेरी, 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 प्लस O2, यही था। तो देखिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं इनको, अब बात ये भी है ना कि इसमें जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो किसके लिए निकाले, आवर्स में, मिनट में या सेकंड में, कुछ नहीं दिया है। तो क्वेश्चन जिसमें दिया था, क्वेश्चन किसमें दिया था, मिनट्स में, तो इसको सिर्फ मिनट्स में निकाल के छोड़ देंगे। तो देखिए मैं रेट लिखूं तो बताइए ये क्या लिखा जाता है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू, मैं प्रोडक्ट के लिए अगर लिखना चाहूँ तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एंड दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 4। ये बात आपको समझ में आ रही है, ऐसे O2 के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ NO2 के लिए चाहिए था तो मैं NO2 पे फोकस कर रहा हूँ, O2 को इग्नोर कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं मिनट में कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये वैल्यू तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, देखिए कितना आया था, मिनट में चाहिए ना, मिनट मिनट में कितना है, 5 × 10⁻³। राइट, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू, ये देखिए क्या मिलेगा आपको, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन 4 × Δt। आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए कि जो रेट ऑफ अपियरेंस होगा, जो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO2 होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, एक तो डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन 4 × Δt। बस आप इतना मुझे बता दीजिए। हाँ, इसमें अगर मैं रेट ऑफ अपियरेंस की बात करूं तो ये कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने देखा था और मैंने सीखा भी था कि जब भी मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उस नंबर को डिवाइड करता हूँ तो वो वैल्यू मुझे हमेशा क्या देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि रेट ऑफ अपियरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस मुझे कौन देता है, विदाउट कोएफिशिएंट वाला, यानी कि ये वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे रेट ऑफ अपियरेंस यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस मिल जाएगा क्या, यानी कि ये जो वैल्यू अपॉन 4 है, इस 4 को मैं अगर इधर भेज दूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, अब पहले तो मैं कॉपी कर लूँ, 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई 4 × Δt। मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि मेरा रेट ऑफ अपियरेंस यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 सिर्फ इतना है, ये 4 मुझे नहीं चाहिए, इस 4 को मुझे हटाना होगा, इस 4 को मैं RHS अगर LHS भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4×5 = 20 × 10⁻³। और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए 20 को अगर मैं उसमें लिखना चाहूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻²। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब वेरी गुड, रेट ऑफ NO2 फॉर्मेशन या रेट ऑफ NO2 अपियरेंस। यही पूछा था कि NO2 गैस के फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, वो वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 10⁻²। यूनिट के अगर हम बात करें तो का मोलर मिनट इनवर्स,
क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मैंने किस में रखी थी, मिनट इनवर्स में रखी थी। समझ में आ गया? आइए आंसर चेक कर लीजिए। देखिए 2×10⁻², कर सकते हैं। अब सेम लाइन पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ी सी अगर आपको कम समझ में आई हो तो आप बैक करके एक बार फिर से देख लें, ठीक है। इसी सेम लाइन पे आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, आंसर वगैरह सब आपको दिया गया है, तो आप एक बार ट्राई करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम इनका सॉल्यूशन आपको दे देंगे लेक्चर में, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।